नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। भारतीय मीडिया के रोल से नेपाल में गुस्सा। नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत के ऑपरेशन मैत्री की जहां तारीफ हुई है, वहीं दूसरी ओर भूकंप की कवरेज और रिपोर्टिंग के तरीकों को लेकर भारतीय मीडिया भूकंप पीड़ित नेपाली लोगों के निशाने पर है। मीडिया के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से भारत सरकार भी चिंतित है। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के कवरेज को लेकर भारतीय मीडिया से लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। भारतीय मीडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि वे इस त्रासदी को भारत सरकार की ओर से पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज के रूप में ट्रीट कर रही है। भारतीय मीडिया पर निशाना साधने के लिए बनाया गया टॉपिक #GoHomeIndianMedia रविवार को ट्विटर पर नेपाल में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा। इस पर 60,000 से ज्यादा ट्वीट किए गए। एक व्यक्ति ने ट्वीट में लिखा कि मीडिया ने क्रेडिट लेने के लिए नेपाल को अपमानित किया है और वो भी इस आपदा के समय, यह बेहद दुख की बात है। वहीं नेपाल की एक नागरिक ने लिखा है कि भारतीय मीडिया इस तरह बर्ताव कर रही है मानो वे कोई फैमिली सीरियल की शूटिंग करने आए हैं। इस्लामिक स्टेट के दरिंदों ने की 300 यजीदियों की हत्या। इराक के मोसुल में आईएसआईएस के आतंकियों ने करीब एक साल से बंधक बनाए गए यजीदी समुदाय के 300 लोगों की हत्या कर दी। इस बीच दरिंदों की गिरफ्त से आजाद हुई लड़कियों ने कुछ हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन पर लगातार इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब 300 यजीदियों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो इन्हें इनके कैंप में ही गोली मार दी गई। नागालैंड में घात लगाकर किए गए हमले में सुरक्षा बलों के 8 जवान शहीद। नागालैंड के मोन जिले में भूमिगत उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में सुरक्षा बलों के 8 जवान रविवार को शहीद हो गए। रक्षा सूत्रों ने बताया कि हमले में असम राइफल्स के साथ जबकि टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान शहीद हो गया। ये सभी मोन जिले के चांगलासू में पानी के टैंकर में पानी भरने गए थे। उसी दौरान घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। असम राइफल्स के जवानों ने भी जवाब में गोलियां चलाई, जिसमें एक भूमिगत उग्रवादी मारा गया जबकि कुछ अन्य घायल हो गए।